तो अगर आप लोग भी Realme P1 5G लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम बात करेंगे, दो बेसिकली तीन चार ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कि आपको पता होने चाहिए इस फोन को बाइक करने से पहले, क्योंकि आपको पैसा लग रहा है इसमें तो कुछ अच्छाइयों के बारे में, अच्छाई काफ़ी ज़्यादा इसमें है, ठीक है। इवन मतलब परफॉर्मेंस, ये फ़ोन परफॉर्मेंस को डेडिकेट करता है, तो हम बात करेंगे इसी के बारे में। एंड पहले तो हम बात करेंगे कुछ अच्छाइयों के बारे में, देन हम बात करेंगे कुछ बुराइयों के बारे में। 3 मिनट का समय दीजिए, हम बताते हैं आपको सारी चीज़ें 3 मिनट के अंदर अंदर। तो चलो अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं कुछ अच्छाई के बारे में। तो इसमें जो अच्छाई नंबर वन है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। इसमें डायमेंसिटी 7050 का प्रोसेसर आपको मिलेगा जो कि हाई परफॉर्मेंस देगा आप लोगों को। N120Hz का आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। एंड इसका जो 120Hz रिफ्रेश रेट है वो आपको गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस करवाएगा। एंड जो ब्राइटनेस है 2000 nits का आपको पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगा। एंड इन डिस्प्ले अनलॉक देखने को मिलेगा इस बजट रेंज में। एंड 6 लाख के आसपास आपको अंतुतु स्कोर भी देखने को मिलेगा। UFC 3.0 का सपोर्ट आपको देखने को मिला। 45W का आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। एंड 9 5G बैंड आपको देखने को मिलेगा। एंड डुअल स्टूडियो स्पीकर जो कि आपको एक्सपीरियंस जो होगा ऑडियो का वो कमाल का देगा दोस्तों। आप लोग फील करोगे उसको तो फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। एंड अब भी तो मैंने कुछ अच्छा है इसके बारे में बात कर लिया, अब हम बात करते हैं कुछ इसमें कमियां हैं जिसको अगर इम्प्रूव हो जाता तो काफ़ी बेहतरीन फ़ोन हो जाता। अभी 2 मिनट का वीडियो हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 मिनट का हो चुका है। अब चलते हैं कुछ बात करते हैं कमियों के बारे में। अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको नहीं दिया गया है, तो ये इस बजट में अगर किसी और ब्रांड के साथ अगर आप जाते होते तो आपको मिल सकता था वो अल्ट्रा वाइड कैमरा, तो ये इसमें कमी है, ठीक है। बाकी सेकंड कमी वो आपको इसमें ऐड जो अगर आप लोग हॉट ऐप हॉट गेम मतलब इस टाइप से काफ़ी ज़्यादा आपको प्री बिल्ड एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, एंड कुछ ऐसे मिलेंगे जिसको आप लोग अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, तो ये कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। ये रही कुछ ऐसी बातें जिसको आपको पता होने चाहिए इस फ़ोन को बाइक करने से पहले। अगर आप लोग बाइक कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है वैसे तो, एंड आप इसको चला सकते हो। परफॉर्मेंस है गेमिंग भी इसमें कर सकते हो, P1 का मतलब ही परफॉर्मेंस भी इसको बेस्ट किया गया था, जो आपको अच्छा लगा होगा। एंड मिलते हैं।